पक्षकार और उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और साधारण व्यक्ति जितने भी हैं सभी को थैंक यू। मेरे को विषय दिया था उन्होंने गाली गलौज में जेंडर। मेरी पूर्व वक्ता जो मैडम हैं उन्होंने अभी बोला कि अधिकतर गालियां महिलाओं से संबंधित ही है, ठीक है, उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, अधिकतर नहीं सभी सभी। भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य लिखे गए हैं उसमें लिखा है वी शुड डिनाउंस द प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। महिलाओं के सम्मान के प्रति जो बातें डेरोग्रेटरी हैं, अपमानजनक हैं, अपमान सूचक हैं, हमें उनको त्यागना है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में कहा कि कुछ विकृति आ गई है किन्हीं कारणों से, जिससे हम व्यवहार में, संस्कार में, रोजमर्रा की जिंदगी में, जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात आज के लिए कही, रोजमर्रा की जिंदगी में, बोलचाल में, कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। तो प्रधानमंत्री भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 15 अगस्त को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, संविधान में लिखा है, लेकिन है क्या? ओटीटी कंटेंट पे तो गालियां ही हैं। और मैडम ने ठीक कहा, जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, अच्छा उनका प्रोफाइल देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मनीष त्यागी नाम लेता हूँ, वो इंजीनियर हैं, वो नेवी में नौकरी करके आए हैं, अंशु मोहर है, वो MBA किए हैं, वो कॉरपोरेट में माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करके आए हैं एक्सपोर्ट डिवीजन में। वरुण ग्रोवर हैं, उन्होंने मसान जैसी फिल्में लिखी हैं उन्होंने, उनको तो शायद पुरस्कार भी मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मसान के लिए उनको। वो लोग बेधड़क गाली बक रहे हैं प्लेटफॉर्म पर और लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ जो कम गाली बकने वाले हैं वो कहते हैं इंटेलिजेंट जोक तुम्हारे समझ में नहीं आता, गाली बको तुम लोग हंसते हो, लोग उस पर भी हंस रहे हैं। अच्छा कोई मुझे सोच के बताएगा कि पहले एक उदाहरण देते हैं कि दो लोग रोड पर लड़ रहे हैं बाहर, ठीक है, दो लोग रोड पर लड़ रहे हैं, जब वो गाली बकेंगे तब उसमें महिला का जिक्र होगा, माँ बहन बेटी बहू इस टाइप का जिक्र होगा गाली के साथ में, मतलब वो गाली के अंदर इंटीग्रल पार्ट है, वो जो रिश्ता है या जो नारी है। कोई मुझे बताएगा एक गाली कोई जो पुरुषों के लिए बनी हो? ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी ना, एक्चुअली नहीं मिलती। जो साहित्यिक गालियां हैं, है ना, हम कहते हैं उल्टा, प्रोस्टिट्यूट के लिए जो शब्द है हिंदी में, कोई र से शुरू होता है, कोई छ से शुरू होता है, उनके जब आप पुल्लिंग ढूंढने जाएंगे ना तो हिंदी व्याकरण में आपको नहीं मिलेंगे, शब्दकोश में बने नहीं है। तो साहित्यिक गालियां भी नहीं है हमारे पास, जो अपशब्द हैं जो सड़क पे मिलती है वो भी नहीं है हमारे पास। भारत में सबसे सामान्य गाली कौन सी है जो जिसको हम गाली मानते ही नहीं है? जी मैडम ने ठीक कहा, मैडम जोर से बोलेंगे थोड़ा प्लीज, साला, साला, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पता है ये साला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। और जीजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। लेकिन हिंदुस्तान में साला गाली है, जीजा गाली नहीं है, हाँ राइट वेरी गुड। उसका अब आप देखिए वो महिला आ गई ना वहां पर, वो जेंडर्ड है, हमारे नोशन जो है ना वो जेंडर्ड है हमारे, उसको कनेक्ट करने वाला, दोनों को कनेक्ट करने वाली महिला ही है, ठीक है ना। बंबई में आप जाएंगे, मैडम तो रही हैं वहां पर, मजाक बनाने के लिए किसी को बिलिटल करने के लिए कहते हैं कि मामू बना दिया तुमको, कभी नहीं कहते चाचा बना दिया तुमको, बल्कि चाचा सम्मान का शब्द है। हम कुर्सी, चाचा बैठ जाइए, चाचा बैठो, चाचा उड़ जाओ, ट्रेन में बस में, तो चाचा सम्मान का है और मामा मजाक बना रहे हैं उसका, उसको बेवकूफ बना रहे हैं। जीजा सम्मान का शब्द है, लोग कहते हैं भाई जीजा है तुम्हारे, जीजा है, फूफा है, हम तुम्हारे जीजा हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, बाप बोलते ना भाषा में, सम्मान से बात करो जरा। लेकिन कोई नहीं कहता कि हम तुम्हारे साले हैं, साला तो हम बोल रहे हैं, है ना, और वो बुरा भी मान रहा है। मियरली अ किनशिप रिलेशन, केवल एक रिश्ता ही तो है, लेकिन उसको गाली बना दिया और गाली है और लोग मान रहे हैं। मुकदमे चले कई जगह मानहानि के, मुकदमे के बाद उनको दंड भी देना पड़ा कि तुमने इनको पब्लिकली साला क्यों बोला। तो हम स्वीकार भी कर रहे हैं, हमारी जुडिशियरी भी स्वीकार कर रही है कि ये गाली है, ये गाली है और है वाकई में गाली है। तो गाली हम बक रहे हैं और जेंडर्ड बक रहे हैं। तो हमको प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि आह्वान करना चाहिए कि हम संस्कार में या किन्हीं चीज़ों में इन चीज़ों से निकलें और हम संकल्प करें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, हमारा किसी पर जोर नहीं चल रहा, सबसे पहले हम उसको गाली बक देते हैं। चलो गाली बक रहे हैं, ठीक है गाली बक रहे हैं, आप उसको वेंट आउट कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार की महिलाओं को किस लिए गाली बक रहे हैं भाई?
तो हमने गाली गलौच में जो शब्द हैं उनका जो शब्दकोश है वो हमने एक लॉप साइडेड है, हमने बनाया है उसको, तैयार किया है, सांस्कृतिक स्वीकृति है, सामाजिक स्वीकृति है उसको। हम थोड़ा साइंटिफिकली चले तो जो हम बोलते हैं वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है, वैसे हमारे विचार होते हैं, विचार से फिर हमारा व्यवहार बनता है। तो बोलचाल, भाषा, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, परंपरा से आते हैं, शब्द परंपरा से आते हैं, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, वो हमारी विचारधारा को और हमारे व्यवहार को शेप करते हैं कि हम कैसे जाएंगे। साधारण जेंडर भाषा में भी अगर हम चाहें हम बात करें तो हमारी जो भाषा है वो इस तरह की है कि हमको वो हमको सिखाती है, वो हमको सिखाती है कि महिला को दोयम दर्जे का मानना है या वो दोयम दर्जे की है और पुरुष जो है वो थोड़ा वो है। देखिए चलिए मैं आपको एक मतलब ये थोड़ा सा जेंडर पर ही है, गाली से थोड़ा सा हट जाएंगे इसमें एक सेकंड के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी महापुरुष का नाम लीजिए तो आप किसका नाम लेंगे? कोई एक नाम ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, एक और लीजिए कोई जी, महात्मा गांधी, एक और लीजिए कोई, हाँ चलो इन्होंने कहा मदर टेरेसा, ठीक है अपन आ जाते हैं, उन्होंने कहा महात्मा गांधी, अपन अभी आगे चलते हैं, हम पहले मदर टेरेसा पे बात करेंगे। मदर टेरेसा एक महान शख्सियत है, टेरेसा को छोड़ देते हैं, अब उनको कैसे डिफाइन करेंगे आप एक शब्द में? मदर, मदर का पुल्लिंग क्या होगा? फादर, वेरी करेक्ट। आपने कहा महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महात्मा टॉल्स्टॉय, अब इन लोगों को एक शब्द में डिफाइन करना है, उनके नाम को हटा देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे महात्मा का स्त्रीलिंग बताएगा कोई किताब में से ढूंढ के? बनाया नहीं है हमने, बनाया नहीं हमने, है नहीं हमारे पास। जबकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा जेंडर न्यूट्रल है, तो वो भी महात्मा ही है। लेकिन जब हम महात्मा की बात करते हैं तो गांधी है, बुद्ध हैं, टॉल्स्टॉय हैं या कोई और है, मदर टेरेसा को महात्मा नहीं कह रहे हम। अंग्रेजी में फिर भी उनको सेंट कह रहे हैं ना, तो सेंट तो महात्मा है, लेकिन हमने बनाए नहीं ना हमने। हम बच्चों को स्कूल में महापुरुषों की जीवनी पढ़ा रहे हैं, और जब महापुरुषों की बात कहा जाता है तो हम कहते हैं नारी शक्ति, उसके इक्विवेलेंट जो वर्ड है किताबों में मिलेगा। क्या महापुरुष का कोई स्त्रीलिंग बनाया हमने? नहीं बनाया। तो हमारे शब्द हमारे विचारों को शेप कर रहे हैं, हमारे विचार हमारे व्यवहार को शेप कर रहे हैं। पुरुषों के लिए हमारे पास बहुत अच्छे शब्द हैं, महिलाओं के लिए ले दे के एक शब्द निकला मदर, तो माँ तो खैर माँ है, वो तो वही भगवान है इस पृथ्वी पे, लेकिन उसको भी हम गाली दे रहे हैं। आप सोचिए, जिसने आपको जना, जिसने इस पूरी पृथ्वी को जना, उसको हम गाली दे रहे हैं। मैं एक बात के साथ खत्म करूंगा, हम एक बहुत एक एलाइड ग्रुप में बैठे थे ग्वालियर में ही एक जगह पर, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, एक राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, आज शायद इस दुनिया में नहीं है वो। उन्होंने बातचीत में एक माँ की गाली का प्रयोग किया, बहुत बड़े बड़े लोग थे, साहित्यकार थे, सब थे, बौद्धिक चर्चा चल रही थी। उसमें एक पुलिस ऑफिसर थे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हरियाणा के टेकनपुर अकेडमी में, विकास नारायण राय नाम है उनका, यहाँ टेकनपुर अकेडमी में डायरेक्टर थे, और जब प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी तो उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज भी थे। तो उन्होंने बातचीत में उस वक्त तो गाली दे दी, वो चुप रहे एक दो मिनट के बाद, चार मिनट के बाद जब उनके पास मौका आया तो उन्होंने कहा जैसे अभी आपने अपनी माँ को गाली दी थी। सन्नाटा हो गया बिल्कुल, स्टंट, उनकी समझ में नहीं आया। फिर उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि गाली आपने अपनी माँ को ही दी थी, क्योंकि आपने किसी की भी माँ को गाली दी, माँ तो माँ है, आप ये मत सोचिए, माँ तो माँ ही है। तो हमको गालियों को उसकी जो जो भी अपन ने थोड़ा डिस्कस किया, मैडम ने बताया, बाकी लोग बताएंगे, उसकी जो पीछे जो फिलॉसफी है उसको समझना है थोड़ा सा, और प्रयास करना है कि हम वैसा न बोलें। अगर हम वैसा बोलेंगे, उन गालियों को इंजॉय करेंगे, तो हमारी भाषा, हमारा व्यवहार और हमारे विचार वैसे ही होंगे। थैंक यू।